रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। और दोस्तों इस होली को और बहुत ही मजेदार बनाने के लिए आज वाईटी भारत पर मैं आपके साथ प्ले कर रहा हूं डिजिटल होली। और दोस्तों इस डिजिटल होली को और ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए वाईटी भारत पर मैं इंडिया के सबसे सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड पैकेज है उसके साथ आपको हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने कॉल किया अपने वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर को और बताया कि भैया होली का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करके एक पैकेज बना करके दीजिए, ताकि वाईटी भारत के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर अपने इस साल के सबसे लॉन्ग वीकेंड पर फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ होली सेलिब्रेट कर सकें और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये पूरा जो फेस्टिवल है वो उनका बीत जाए। तो आज मैं मनाली का दिल्ली से वॉल्वो पैकेज लेकर के आ रहा हूँ विथ 3-स्टार होटल, और इतने कम रेट पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इतनी बेस्ट फैसिलिटी के साथ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी सस्ते पैकेज आपको प्रोवाइड कोई भी ट्रैवल कंपनी करती है उसमें सबसे बड़ा लोचा होता है होटल का। और वाईटी भारत पर जो भी आपको होटल प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी के होटल प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस हमेशा जबरदस्त बना रहे। तो आइए चलते हैं आपको इस दिल्ली से मनाली का वॉल्वो पैकेज, 3 नाइट्स का इन मनाली और 2 नाइट्स का वॉल्वो का बताना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर अभी तक वाईटी भारत को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, भूल हो सकता है गए हो, तो नीचे देखिए ना रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और आगे हमेशा वाईटी भारत के वीडियो को देखते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और पिछले सारे वीडियो अगर देखना चाहते हो ना, करीब 400 के करीब हो चुके हैं, तो उसके लिए वाईटी भारत यूट्यूब पे जाके सर्च करो, इंडिया के हर एक डेस्टिनेशन के सारे ट्रैवल वीडियो देख लो, जिसके बाद आप किसी को भी बता पाओगे कि आप इंडिया में कैसे घूम फिर सकते हैं। आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और अब बताते हैं आपको इस पैकेज की सारी डिटेल। आइए दोस्तों, तो दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ होली डिस्काउंट सेल, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ। और ये जो पैकेज मैंने बताया 3-स्टार होटल के साथ है, 5,500 रुपए अगर आप 4 लोगों के साथ जा रहे हैं टिल होली तक बुकिंग करा लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से, और 5,750 रुपए अगर आपके ग्रुप में केवल 2 लोग हैं, कपल अगर आप हो तो आपको 5,750 रुपए पर पर्सन पे करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से मनाली का ये वॉल्वो पैकेज बुक करवा लेते हैं तो टिल होली तक। होली के बाद 15 अप्रैल तक यही जो सेम 5,500 रुपये था ये 5,750 हो जाएगा, और अगर आप 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से, 5,750 रुपये 4 लोगों के ग्रुप में अगर आप हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आ जाते हैं, आइटनरी, होटल डिटेल्स, डिलक्स होटल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कन्याल हाइट डिलक्स रूम के साथ या होटल आउटटाउन मनाली डिलक्स रूम के साथ। अब दोस्तों आगे चल लेते हैं, 25 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक ये पैकेज जो मैंने जो बताया आपको वैलिड रहेंगे। आइटनरी बात कर लेते हैं, सबसे पहले दिल्ली से आप निकलेंगे फर्स्ट डे पर मनाली वॉल्वो, करीब 570 किलोमीटर की यात्रा होती है, 11 से 12 घंटे लगते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जर्नी होती है, जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा, अगर गए हो तो बार बार जाने का मन करेगा। डे टू पर आप अर्ली मॉर्निंग लगभग 10 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं मनाली, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा पिक एंड ड्रॉप मनाली वॉल्वो प्राइवेट बस स्टैंड से, आपको ड्राइवर पिकअप करने के लिए आएगा, पिकअप करके आपको होटल पर ले जाएगा, ड्रॉप करेगा, वहां पर आप चेक इन करिए। चेक इन करने के बाद आपका हाफ डे का लोकल साइट सींग टूर स्टार्ट हो जाता है, जो माल रोड के लगभग आसपास में ही पड़ता है। हाफ डे का लोकल साइट सींग टूर होता है ये, जो आपको घुमाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ ले जाते हैं। इसमें हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग, वन विहार, हांगकांग मार्केट, तिब्बतन मोनेस्ट्री, क्लब हाउस, इन जगहों पर आपको ले जाया जाता है, शाम को वापस आपको होटल पर ड्रॉप कर देंगे, वहां पर जाकर के घूमिए फिरिए एंजॉय करिए डिनर करिए और रेस्ट करिए। अगले दिन सुबह उठिए और जिसे कहते हैं ना जन्नत एकदम, सोलांग वैली, स्नो वैली हम उसे खास करके कहते हैं, अगर बर्फबारी के दिनों में सर्दियों में आप जाते हो तो बिल्कुल स्नो वैली बन जाता है सोलांग वैली। डे 3 पर आप सुबह निकलेंगे, 15 किलोमीटर दूर है मनाली के माल रोड से, रास्ता तो एकदम इतना ज़बरदस्त है ना, और अभी अगर आप जा रहे हो होली या होली के बाद तो आपको ऊपर पहाड़ों पर तो एकदम स्नो दिखाई देगी एकदम ज़बरदस्त, और अभी स्नोफॉल हुई है 22-23 मार्च को, तो नज़ारा तो अभी जन्नत है, होली पर होकर क्या लॉन्ग वीकेंड में मज़ा ही आ जाएगा। इन्जॉय करिए सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकल जाइए, जितनी जल्दी निकलोगे उतना अच्छा रहेगा, करीब 9:30 बजे के आसपास निकल जाओ, और निकलने के बाद रास्ते में पूरा नज़ारा लेते हुए जाओ सोलांग वैली पहुंचो। सोलांग वैली में इस टाइम तो बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि
तो आपको बहुत सारी स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी, जैसे स्कूटर राइड, स्कीइंग, जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब करने को मिल जाएगा आपको। और आई थिंक रोपवे भी खुला हुआ है तो वो भी करने को मिल जाएगा। पूरे दिन का एक टूर होता है, प्राइवेट कार से आपको करवाया जाता है, और उसके बाद आप शाम को पहुंचेंगे, रिटर्न करेंगे होटल पर। होटल पर पहुंच करके घूमिए फिरिए, आसपास में होटल के नज़ारा लीजिए, डिनर करिए और आराम करिए। अब चलते हैं Day 4 पर, कुल्लू से मणिकरण। मणिकरण जो गुरुद्वारा है उसके रास्ते में पार्वती रिवर पड़ती है ना, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे होते हैं वहाँ के, बहुत सुंदर एकदम मनोरंजक होता है। फोटोग्राफ खिंचवाना चाहो तो नीचे जा करके उतर करके ना हैंगिंग ब्रिज आते हैं रास्ते में आपके, कहीं भी अच्छा सा हैंगिंग ब्रिज दिखाई दे, नज़ारे दिखाई दें, ड्राइवर को रोकिए थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए जा करके नीचे ना सावधानी पूर्वक जाइए, वहाँ पे जाके फोटो तो क्लिक कराओ, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा होता है। तो ये फुल डे का टूर होता है, प्राइवेट कार से आपको करवाया जाएगा। रास्ते में आप क्या क्या घूम सकते हैं, अंगोरा फार्म, वैष्णो देवी टेम्पल, कुल्लू शॉल फैक्ट्री, और उसके बाद पार्वती रिवर के नज़ारे लेते हुए आप पहुँचेंगे दोपहर को लगभग मणिकरण गुरुद्वारा, जो कुल्लू के माल रोड से लगभग 80 या 85 किलोमीटर के आसपास है। तो पूरा दिन लग जाता है आराम से, और वापस आप लौटो कुल्लू मणिकरण होते वापस नाली में, रात को डिनर करो, आराम करो, और नेक्स्ट डे, ये सब तो आपका पूरा घूमना फिरना हो गया, अब आपका दिन जो है वो Day 5 है वापस दिल्ली निकलने का। इस दिन क्या करो, ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से जल्दी, सामान पैक करो, पैक करके जा करके क्लॉक रूम में जमा करो होटल के, और निकल जाओ घूमने के लिए आसपास माल रोड के, शॉपिंग करो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आसपास के नज़ारे लो, फोटोग्राफ क्लिक करवाओ जितना अच्छे से क्लिक करा सकते हो, और पूरा एंजॉय करके लगभग, क्योंकि शाम को होती है ना आपकी वॉल्वो बस, तो क्या करो आप लोग लगभग 2 बजे के आसपास होटल में आ जाओ, 2-2.5 बजे के आसपास, और आ करके होटल में बोल दो कि गाड़ी आपकी है उसे पिक करवा ले और आपको ड्रॉप करवाए वॉल्वो बस स्टैंड पे। जा करके वहाँ पर वॉल्वो बस का नंबर आपके पास पहले से ही होगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ट्रैवल कंपनी के थ्रू, उसको सर्च करो प्राइवेट बस स्टैंड पर, जा करके आपको आराम से मिल जाएगी। जा करके वॉल्वो को बोर्ड करो, बोर्ड करके निकल जाओ, और आपका लगभग आप नेक्स्ट डे पहुंच जाओगे लगभग 5-6-7 बजे के आसपास दिल्ली, कश्मीरी गेट के आसपास आपका ड्रॉप होगा या उसके बाद भी हो सकता है। और बाकी तो आपका ये बहुत ही सुंदर मेमोरी के साथ टूर कंप्लीट हो चुका है। पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है वो बता देता हूँ। 3 नाइट स्टे इन होटल, 3-स्टार होटल है, 3 ब्रेकफास्ट मिलेंगे, 3 डिनर आपको मिलेंगे, बहुत ही स्वीट मस्त एकदम डिनर होता है। साइट सींग टूर मिलेगा सोलांग वैली का बाय प्राइवेट कार, साइट सींग फुल डे का टूर मिलेगा कुल्लू मणिकरण का बाय प्राइवेट कार, हाफ डे का लोकल साइट सींग मनाली प्राइवेट व्हीकल के साथ मिलेगा। अगर आप 2 लोग हैं तो 2 लोग बैठ के जाओगे, और 4 लोग हो तो 4 लोग बैठ करके जाओगे। क्या क्या घूमोगे, लोकल साइट सींग में हडिम्बा टेम्पल, क्लब हाउस, तिब्बतन मोनेस्ट्री, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार, ये सब घूमोगे, पूरा मजा आ जाएगा एकदम। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, 2 मनाली की दिल्ली और मनाली की वॉल्वो बस टिकट मिलेंगी, अगर 2 लोग हो, 4 हो तो 4 आपको वॉल्वो की बस टिकट मिलेंगी। अब आपको मैंने ऊपर बताई दिया क्या कॉस्ट है, फिर से बता देता हूँ, 5500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 4 लोगों के लिए टिल होली तक, और 5750 रुपये अगर आप 2 लोग हैं टिल होली तक आपको मिलेगी। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, आपको बता देता हूँ इसमें पेमेंट पॉलिसी क्या है वो एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ करके ट्रैवल कंपनी को संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाके कॉल करो, बात करो, संतुष्ट हो तो जाके पैकेज बुक करवा लो। ये ट्रैवल कंपनी इतनी ज़बरदस्त है, YT भारत के थ्रू कम से कम वीडियो देख करके 400 से 500 लोग पिछले 6 महीनों में जा चुके हैं, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है कि वीडियो पर आप देखते रहते होंगे। चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो यार जाने से पहले, ताकि इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे बहुत सारे आगे ट्रैवल वीडियोस आने वाले हैं देखने के लिए। चलो मिलते हैं YT भारत की तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।